दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिगर फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। जब ये फिल्म करिश्मा कपूर को ऑफर हुई थी तब वो इस फिल्म को साइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो खुद भी न्यू कमर थी और अजय देवगन भी न्यू कमर थे। जब अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी तब करिश्मा कपूर ने इस फिल्म को साइन किया था। इस फिल्म को पहले वीरू देवन डायरेक्ट करना चाहते थे पर कुछ कारण से उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को बनाने का आइडिया फिल्म मेकर्स को दिया था। इस फिल्म के बाद अजय देवन और करिश्मा कपूर एक दूसरे को डेट करने लगे थे। इस फिल्म की शूटिंग के समय प्रोड्यूसर सलीम अख्तर ने अजय देवन को अपनी एक और फिल्म के लिए साइन किया था। जब जिगर फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हो गई थी तो अजय देवन ने ज़्यादा फीस की डिमांड की थी, जिसके कारण बाद में सलीम अख्तर ने उन्हें अपनी फिल्म से निकाल दिया था। ये फिल्म अजय देवन और करिश्मा कपूर की साथ में पहली फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने साथ में शक्तिमान, संग्राम, धनवान और सुहाग फिल्म में काम किया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई जिगर फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।